वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ वन स्टेप टूवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे एसएसबी के मार्किंग सिस्टम के बारे में। मतलब एसएसबी में जो असेसर्स होते हैं, जैसे कमांडर चक्रपाणी साहब आपके सामने, जिनकी फोटो दिख रही है आपको, वो आपको मार्क्स देते कैसे, ये इस बारे में हम बात करेंगे। अब जरा इसको डिटेल में समझते हैं। देखो एसएसबी में क्या होता है, तीन असेसर होते हैं, जीटीओ, साइक और इंटरव्यूइंग ऑफिसर। तीनों को ना अलॉट किए जाते हैं 225 मार्क्स की, आपको जो भी मार्क्स देने हैं एस्पिरेंट को वो देने 225 मार्क्स में से, और उसमें जो पासिंग मार्क्स होते हैं 90। ठीक है, मतलब आपको 90 मार्क्स की तरह से स्कोर करना है। अब 90 आउट ऑफ 225 का मतलब होता है 40% मार्क्स। बड़ा आसान लग रहा है, वही 40% मार्क्स स्कोर करना है, हो गया काम। पर यहां तक की कहानी खत्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 270 बैठेगा, और 225 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 675 बैठेगा। तो आपको 270 मार्क्स स्कोर करने हैं आउट ऑफ 675, अगेन 40%, तब जाके आप रिकमेंडेड कहलाए जाओगे विदाउट एनी डाउट। 110% आप रिकमेंडेड होगे। बट यहां पर एक डाउट आ जाता है, क्या इसमें जो असेसर होता है ना, वो आपको ऐसे नंबर नहीं देता है प्रॉपर, मतलब कि इसको 80 नंबर दे दो, इसको 90 नंबर दे दो, इसको 95, प्रिसाइसली नंबर देता। वो यहां पर एक सिस्टम का इस्तेमाल करता है, उसको कहते हैं टिक एंड मार्क सिस्टम। टिक एंड मार्क सिस्टम क्या होता है, उसमें 10 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, अब इन 10 पैरामीटर्स से ये जो पैरामीटर दिख रहे हैं आपको, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, ये चार जो पैरामीटर हैं, ये मैक्सिमम यूज करे जाते हैं एक असेसर के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर जरा अगर आप देख रहे हो तो यहां पर लिखा है 134 to 112, या मैं कहूं 112 to 134। तो अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो बच्चा क्लियर है, एकदम रिकमेंडेड है। यहाँ पर जो सिक्स वाला है, यहाँ पर 90 दिख रहा है, मतलब यहाँ पर भी वो डाउटफुल है, पर बॉर्डर पे है, उसको क्लियर कर दिया जा सकता है। फिर यहाँ पर सेवन अगेन मोर थोड़ा डाउटफुल है, थोड़ा और ज्यादा डाउटफुल है, थोड़ा डिस्कशन की जरूरत पड़ी। एंड एट इज द लास्ट केस जहां पर आपको एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ इस पर विचार करा जा सकता है इस लड़के पे। तो वो आपको चार पॉइंट देते हैं, मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है, और मैंने देखा कि यार ये लड़का बढ़िया नहीं है, तो मैंने इसको 7 पॉइंट दे दिए। तो अब आपका जो मार्क्स का रेंज होगा वो इसके अंदर बैठेगा, समझ रहे मेरी बात। अब मैंने एक और बंदे का इंटरव्यू लिया और मेरे को लगा यार ये बड़ा अच्छा है और ये रिकमेंड होने लायक है, तो मैंने उसको 5 का पॉइंट दे दिया, 5 का टिक दे दिया। मैं ऐसे बकायदा नंबर लिखूंगा नहीं, आप समझ रहे हो, इस तरह से वो चेक करते हैं। ये मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तीन केसेस होते हैं, तीन केसेस क्या क्या होते हैं भाई। एक बच्चा ऐसा हो सकता है भाई तीनों से रिकमेंड हो जाए, मतलब जीटीओ से भी रिकमेंड हो जाए, साइक से भी रिकमेंड हो जाए और इंटरव्यूइंग ऑफिसर से भी, तो उसके मार्क्स बैठेंगे 270+। मतलब क्या कह रहा था मैं, यहाँ देखो दोबारा, यहाँ पर आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि 90 साइक वाले से, 90 इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाले से, 90 जीटीओ वाले से मिलाकर आएगा 270। तो जिसका यहां पर तीनों से रिकमेंड हो रहा है तो हो गया 270+ मार्क्स ला रहा है वो। बट मान लो वो दो से रिकमेंड हो रहा है और एक से वो बाहर हो रहा है या आउट हो रहा है, डाउटफुल हो रहा है, तो 2:1 का रेशियो हो गया, तो यहां पर स्कोर 270 के नीचे गिर सकता है। ठीक है, फिर तीसरा स्कोर ये हो गया कि एक बंदा रिकमेंड कर रहा है, मतलब या तो जीटीओ रिकमेंड कर रहा है या इंटरव्यूइंग ऑफिसर रिकमेंड कर रहा है या साइक रिकमेंड कर रहा है, बट दो असेसर, जीटीओ और इंटरव्यूइंग ऑफिसर, दो मना कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं करूंगा, तो इसका मतलब सिर्फ साइक रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये तीन केस बैठ रहे हैं। अब इन तीन केस में बच्चा रिकमेंड कैसे होता है वो आपको यहां से समझना होगा भाई। यहाँ तो भाई जब तीनों के द्वारा ये क्लियर हो गया तो 110% रिकमेंड हो गया। आपने देखा होगा जब आप कॉन्फ्रेंस से आते होगे, कुछ बच्चे आते हैं 10 सेकंड बैठते हैं, बाहर आ जाते हैं, उनका पता लगता है वो 110% रिकमेंडेड है। बट आपने कुछ बच्चे देखे होंगे कि जिनको ना पहले बहुत रोका जाता है, उसके बाद बुलाया जाता है, उसके बाद 10 से 15 मिनट सवाल जवाब किए जाते हैं। अब मैं उनका कहानी सुनाता हूँ आपको, क्या है कहानी। अब क्या है कि भाई दो असेसर ने रिकमेंड कर दिया और एक ने डाउटफुल में रखा, तो अब तीनों असेसर मिलके बैठ के कहेंगे कि यार इसको ना क्लियर कर देना चाहिए, हमें लग रहा है क्लियर कर देना चाहिए, या तो फिर मान लो डिसीजन पे आ गए क्लियर करना है तो क्लियर कर देंगे। बट एक असेसर ने कन्विंस कर दिया कि नहीं नहीं इसे फेल करना ही होगा, तो फेल कर देंगे। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब तीनों असेसर को लगता है कि नहीं यार हमें ना एक इसका री एंट्री लेना चाहिए, थोड़ा डाउट हो रहा है, तो वहां पर आप देखते हो जो 10 से 15 मिनट अंदर आपको रोके रखा रहता है ना, वो कारण यही होता है, यहाँ पर री इंटरव्यू हो जाता है आपका। दूसरा री इंटरव्यू कब होता है, दूसरा री इंटरव्यू तब होता है जब एक ने रिकमेंड कर दिया और दो आपको डाउटफुल में रख के बैठे हो, तो आपको या तो क्लियर कर देंगे भाई तीनों ने डिस्कशन किया कि भाई हाँ हमें इसे रिकमेंड कर देना चाहिए, तो उसे रिकमेंड तुरंत कर देता है। देखा होगा आपने कि बुलाने से पहले उसे रोक लिया और फिर जब आया तो 10 सेकंड में वापस भेज दिया, क्यों, क्योंकि उसे क्लियर कर दिया गया है। अब दूसरा ये है कि तीनों ने डिस्कस किया और डिसाइड किया कि नहीं इसे फेल कर देना चाहिए, तो फेल हो गया वो। तीसरा ये है कि तीनों को समझ नहीं आया कि हमें ना करना क्या चाहिए, तो सोचा कि एक काम करते हैं एक बार इंटरव्यू और लेते हैं दोबारा से छोटा सा, और वो उसमें ठीक निकला तो हम इसे रिकमेंड कर देंगे। मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब
तो आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये तो बहुत सही चीज बता दी शुभम भाषण ने, मतलब तो मजा आ गया, तो सक्सेस हमारे हाथ में, पता लग गया है कैसे चल रहा है पूरा मामला। नहीं, गलत, ये एक मिथ है। मतलब अगर आप मार्क्स को जान लेंगे तो आपका रिकमेंडेशन हो जाएगा। नहीं, क्यों, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। जब आपको मार्क्स पता लग जाते हैं, आपको अलॉट किया कैसे जा रहा है, तो जब आप एसएसबी के अंदर होते हो ना, और आपकी जब पर्सनैलिटी टेस्ट हो रही होती है, तो आप बाबा मार्क्स को डाल रहे होते हो कि यार मैंने यहाँ पर ये गलती कर दी तो मेरे रिकमेंड होने के इतने चांसेस हैं, मैंने ये गलती कर दी तो मेरे रिकमेंड होने के इतने चांसेस हैं, और यही गड़बड़ हो जाता है। एसएसबी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सिर्फ एंजॉय करना है और अपनी पर्सनैलिटी को वहां पर सामने रखना है। क्या कह रहा हूँ, नहीं समझ में आया, देखो मैं समझाता हूँ। जब आप मार्क्स पे ध्यान दे रहे हो तो आप परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप ध्यान दे रहे हो स्कोर बोर्ड क्या हो रहा है। स्कोर बोर्ड तो तब आगे बढ़ेगा ना जब आप परफॉर्म करोगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? अब यहां से जरा आगे बढ़, ये बात जो मैंने आपको बताई कि भाई मार्क्स पे मत ध्यान दो, ठीक है, परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये बात कह रहे हैं कमांडर चक्रपाणि साहब। वो कह रहे हैं एसएसबी के मार्किंग सिस्टम से दूर रहो, अगर तुम दूर रहोगे तो तुम्हें ही फायदा हम मिलेगा, क्योंकि तुम परफॉर्मेंस के बारे में सोचोगे ना कि स्कोर बोर्ड के बारे में। स्कोर बोर्ड तब बढ़ेगा जब तुम परफॉर्म करोगे, रिकमेंड तुम अपना खो ही जाओगे यार। मान लो तुम्हें स्कोर मतलब ये सब पता ही नहीं, मैंने जो तुम्हें बताया 225 मार्क्स ये सब ऐसे होता है, 90 मार्क्स चाहिए मिनिमम, ये सब मैंने बताया नहीं, बट तुम्हारी पर्सनैलिटी बढ़िया है, ठीक है, तो तुम क्या होगे, रिकमेंड होगे, पक्की बात है, 225 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, क्लियर कट बात है, ठीक है। ये मोटी बात आपको समझ में आ गई। अब इस बारे में जो कमांडर चकमा सर है वो डिटेल में बात करेंगे। कब, इस बारे में बात करेंगे 3 मई 2020 को रात को 8 बजे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब इसमें क्या होने वाला है, क्या मैं सर का इंटरव्यू लूंगा? नहीं सर, मेरा इंटरव्यू लेंगे जैसे एसएसबी में लिया जाता है प्रॉपर फॉर्मेट में, और वो एक लाइव इंटरव्यू होगा, रियल लाइव इंटरव्यू, ठीक है, और वो आपको इंटरव्यू देखना है। अब जब चक्रपाणि सर मेरा इंटरव्यू ले चुके होंगे तब आपको इस सवाल का वो जवाब देंगे। ये एसएसबी मार्किंग सिस्टम पता ना होना कितनी अच्छी बात है, और इसका अगर पता लग गया तो तुम्हारे पर्सनैलिटी में जहर कैसे घुल गया, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आपको कल शाम रात को 8 बजे यहां पर होना है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, रुको मेरी बात सुनो। यहां पर जब कमांडर चक्रपाणि सर मेरा पर्सनल इंटरव्यू ले रहे होंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि ये मार्क्स आप मुझे अलॉट करें कि यार ये शुभम वाष ने मेरी नजर में फेल है कि पास है, कि ये 225 मार्क्स में से क्या 90 भी स्कोर कर पा रहा है कि नहीं, ये आप बताएंगे। फिर यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं जरा आपको थोड़ा सा उसका एक क्लिप दिखाता हूँ, थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग सर। सर शुभम, हाउ इज द डे टुडे? दैट इज एन एक्सीलेंट, एंड हाउ इज योर सर? माय डे इज फाइन शुभम। टेल मी, व्हाट डिड यू ईट एट ब्रेकफास्ट टुडे? सर टुडे आई मिस द ब्रेकफास्ट सर। इंटरेस्टिंग, एंड व्हाई ऑन अर्थ डिड यू मिस द ब्रेकफास्ट? सर एक्चुअली आई हैव टू मेक श्योर दैट माय आउटफिट्स आर इन अ कंप्लीट शेप, सो आई हैव टू मेक श्योर दैट देयरफॉर आई हैव मिस द ब्रेकफास्ट बिकॉज़ देयर इज अ ह्यूज लाइन देयर सर, एंड आई हैव एन इंटरव्यू टुडे, सो आई मेक श्योर ऑफ इट सर। वेरी गुड। Why was this not done yesterday night? Sir, I did, sir, but a cross check is important because at the last moment anything can happen, sir. I have a two outfit. The one outfit is already destroyed during my journey, sir. Okay, so where were you journeying from? I start my journey from Pune, sir. Okay, ये बात आपने समझी कि ये एक इंटरव्यू प्रॉपर फॉर्मेट में कंडक्ट होने वाला है, और ये स्काइप फॉर्मेट में होगा, और सर पूरे डिटेल में मेरा इंटरव्यू लेंगे, तो उसको मिस मत करना। 225 में से मुझे मार्क्स देना, 90 पे पासिंग है और 90 के नीचे फेल, तो आप फेल भी कर सकते हो पास भी कर सकते हो, ये आप पर है। और इसके बाद सर आपको जब ये पूरा इंटरव्यू हो जाएगा तो आपको मार्किंग सिस्टम बताएंगे जहर क्यों है, और आपको अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है इस बारे में डिटेल में डिग इन करके समझाएंगे। ये होता है वीडियो का एंड। मेरे कोई मैसेज हो तो हैशटैग वाचने करके मुझे बताइए, या मुझे आप डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, और मेरा एम है वन स्टेप टूवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। तो आप डीएम कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। याद रखिए 8 बजे मतलब 3 मई को ये वीडियो आएगी जिसमें मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करा जाएगा कमांडर चकपाणि सर के द्वारा। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाइए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो भी इस वाले लिंक में डाल सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मेक श्योर कि यहाँ पर जो आप कमेंट करेंगे वो मैं आपके जरूर देख रहा हूँ, और वो कमांडर चकपाणि साहब भी देख रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये जो वीडियो का लिंक है रियल लाइव इंटरव्यू बाय कमांडर चक्रपाणि सर,
इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इस तरह से मिलेगा, यहाँ पर लिखा होगा शुभम वाश ने पर्सनल इंटरव्यू, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट कर देगा। इसके साथ मेरा टेलीग्राम लिंक भी वहाँ पर है, फेसबुक इंस्टाग्राम भी। मैं लेता हूँ आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है।